मीटिंग्स हुई है लगातार, ताकि उनके साथ संपर्क बना रहे और वो लोग प्रेरित रहे इस बात के लिए। जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई और उसका असर थोड़ा सा कम दिखाई दिया, हमने परमिशन लेने के बाद आज ये हमारा कोरोना के बाद का ये पहला मेगा इवेंट है जिसमें 3 इवेंट एक साथ हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद अब ये लगातार साल भर में जो हमारे इवेंट्स होते हैं, मई में हमारा पुष्कर राजस्थान में इवेंट होगा, उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के बैनर के नीचे जो प्रधानमंत्री की अपनी योजना है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपनी योजना है केंद्र की, उसके तहत वो इवेंट होगा। तो अब यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ कि तीनों इवेंट के अंदर 1000 से ऊपर खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। अभी भी थोड़ी दिक्कत है, कहीं कहीं पर कुछ ट्रेन्स आने में दिक्कत है, लेकिन लगभग खुल गया है। अब खिलाड़ी बड़े उत्साह के साथ में, जोश के साथ में, जो इतने दिन इंतजार कर रहे थे खेलने का, वो अब आ गए हैं मैदान पर। दो दिन से आप भी देख रहे हैं किस तरीके से पूरे जोश और उत्साह के साथ में खिलाड़ियों ने इस खेल में भाग लिया है। सर, चाहे सरकार देश में किसी की रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, खेलों को और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबकी तरफ से दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन खेलों में जो खेल संगठन है उनमें लगातार अभी इस तरह के जो आप जैसे एजेड लोग भी हैं, लेकिन यंगस्टर्स को मौका नहीं मिल रहा है खेल संगठनों में। सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तैयार साथ साथ होती है। ये गुरुकुल की तरह से चलता है। हमारे साथ में पूरी युवाओं की टीम जुड़ी हुई है। हम तो 30-30 साल हो गया हमें लगे हुए इस खेल में, लेकिन दूसरी पीढ़ी भी साथ साथ तैयार है। हर तरह से सक्षम दूसरी पीढ़ी भी आज हो गई है। अगर हमारी कहीं अनुपस्थिति होती है तो वो उस खेल को संभालने में, प्रतियोगिता को संभालने में सक्षम है। और जहां तक सरकार का मदद करने की बात है, 75% जो खिलाड़ियों को कंसेशन रेलवे में मिलता था वो बीच में पीयूष गोयल जी ने खत्म कर दिया था, लेकिन रिजिजू जी जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके प्रयासों से हमारी डिमांड पर उन लोगों ने दोबारा से उसको शुरू किया है। हालांकि उसका भी नोटिफिकेशन होना बाकी है, लागू होना बाकी है, लेकिन इन प्रिंसिपल सिद्धांतिक रूप से उसको दोबारा से लागू कर दिया गया है कि भाई इतने बड़े बड़े खेल होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे खेल के अंदर, इनको आर्थिक सहायता मिले। राज्यों के माध्यम से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, उनको भी मिले। तो ये प्रयास तो लगातार जारी है। अब हमारा खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा मजबूती के साथ में खेला जाता है, 72 कंट्री में ये खेल आज खेला जा रहा है। जी सर, एक सवाल मेरा, सरकार ने अभी जो खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या केरला हो, सभी सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देने का दावा कर रही हैं, लेकिन कई जो सरकार हैं वो ओलंपिक के बिना जो प्रमाण पत्र है उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, जो संगठन उनके प्रमाण पत्र को वैलिड नहीं कर रही है, इस वजह से खिलाड़ियों का सर नौकरी का सपना टूट रहा है। देखिए, हमारे काफी राज्यों में जो हमारे खिलाड़ी यहाँ से पदक लेके जाते हैं, स्थान लेके जाते हैं, प्लेस लेते हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, उनको नौकरियों में भी प्राथमिकता मिलती है, कॉलेज के एडमिशन में भी प्राथमिकता मिलती है, अंकों के आधार पर मिलती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो राज्य नहीं कर रहा है वो सब राज्य करें, इसी ढंग से कोशिश हो रही है। तो कोई बात नहीं है, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी कोशिश कामयाब होगी और सब राज्य जो है खिलाड़ियों को प्राथमिकता नौकरियों में भी देंगे, एडमिशन के अंदर भी देंगे। सर, अभी राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है आउट ऑफ टर्न नौकरी का, 156 खिलाड़ियों को राजस्थान में डिप्टी फॉरेस्टर सहित अन्य जो ए क्लास की जो नौकरियां हैं वो दी हैं। अन्य राज्य इस तरह के नवाचार नहीं कर रहे हैं, राजस्थान में अभी ऐतिहासिक फैसला हुआ है, 156 लोगों को नौकरियां दी हैं सीधे आउट ऑफ टर्न। ये बहुत अच्छी बात है और राजस्थान सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, बाकी राज्यों को भी इसको अनुसरण करना चाहिए। इसको इसी प्रकार से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन होगा तभी हमारे देश में खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश में खेल, हमारे खेल जो है वो देश में आगे बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। सर, एक सवाल और था मेरा, जो रस्सा कसी है ये क्या ग्रामीण खेल है? देखिए, आज तो रस्सा कसी को ग्रामीण खेल तो था ही है, क्योंकि इसके जो चिन्ह मिलते हैं पुराने समय से, पुराने ऐतिहासिक चिन्ह हैं हमारे पास, सबूत हैं इसके, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, समुद्र मंथन हुआ था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये खेला जाता रहा है। आज तो ये हर क्षेत्र में खेला जाता है, शहरों के स्कूलों में खेला जाता है, कॉलेजेस में खेला जाता है, हमारी जो सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें दिल्ली पुलिस, जिसमें पुलिस है, डिफेंस के जो लोग हैं, आर्मी के लोग जो हैं वो भी इसको खेलते हैं। ये खेल वास्तविक रूप से ये एक वास्तविक खेल है, एक नेचुरल खेल है, सोसाइटीज में खेला जाता है, कॉलेजों के अंदर जो है टीचर्स में आपस में खेला जाता है, स्टूडेंट्स में आपस में खेला जाता है, लेकिन टेक्निकल स्तर पर
इस खेल को समझना, उसके हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। हमारी फेडरेशन कहीं पर भी ऐसा खेल होता है और हम लोगों को आमंत्रित करते हैं तो हम क्वालिफाइड ट्रेनर, क्वालिफाइड कोचेज और रेफरीज इस खेल के लिए भेजते हैं। सर, खेल संगठन और सरकारें अपना काम कर रही हैं लेकिन अभिभावक अपनी मानसिकता नहीं बदल पा रहा है। अभिभावकों की मानसिकता अभी भी यही है, मेरे बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना। ऐसे में ग्राउंड पर जो खिलाड़ियों की संख्या है जो बढ़नी चाहिए, उसके लिए फेडरेशन, खिलाड़ी और अभिभावक, उन तीनों की कड़ी को मिलाकर किस तरह से तालमेल बनाकर ग्राउंड पर अपन खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा सकते हैं? नहीं, सही बात है। लोग परिवार का अपना एक योजना होती है, बच्चे के प्रति एक उसका एक लक्ष्य होता है कि इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जाए, लेकिन इस खेल से तो उस पर कहीं फर्क नहीं पड़ता, किसी भी खेल से फर्क नहीं पड़ता। स्कूल के स्तर से ही हर बच्चे को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनाने की शिक्षा दी जाती है। स्कूल में भी खेलता है, कॉलेज में भी खेलता है, और जब वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तब भी वो खेलता है। तो खेल तो एक ऐसी चीज है कि जो शरीर के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। जितनी संख्या में बच्चे हमारे पास में आते हैं, हर वर्ष हर महीना बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें कहीं हमें तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। सर, रस्साकसी के देश के नामी खिलाड़ी तैयार करने के लिए कोई ग्राउंड एक्टिविटी या कैंप, इस विशेष कैंप लगाने की भी योजना है क्या सर? बिल्कुल होता है, हमारे यहाँ ये पूरा एक इसका सिस्टम बना हुआ है। मैंने मौजूद टेक्निकल डायरेक्टर हैं, ये आपको बताएंगे उसके बारे में, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि जब भी हमें नेशनल टीम तैयार करनी होती है तो नेशनल टीम के लिए हम हर स्टेट से जो मजबूत खिलाड़ी होते हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास में होता है, उनको एक वर्कशॉप में बुलाते हैं, उनका ट्रायल होता है बाकायदा, उसमें से ही नेशनल खिलाड़ी महिलाओं की भी और पुरुषों की भी तैयार की। जी सर, अभी अपना खेल सर इंडियन ओलंपिक में नहीं है, उसको शामिल कराने के लिए जो विश्व भर के खेल संगठन है, लंबे समय तक इंडियन ओलंपिक का मेंबर हमारा खेल रहा है, लेकिन बीच में एक समय में निकाल दिया गया, उसके बाद में फिर ओलंपिक में हमारा खेल आ गया था, अब नहीं है ओलंपिक के अंदर खेल। देखिए, ओलंपिक एसोसिएशन भी बहुत सक्रियता सक्षम रूप से काम नहीं कर पा रही है, वहाँ के जो वाद विवाद हैं, आपसी झगड़े जो वहाँ के हैं, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे गेम्स को देखें, हमारे गेम्स में आए, हमारी अपनी वेबसाइट है, हम हर चीज़ की गतिविधि की सूचना ऑनलाइन भी देते हैं, वेब पर भी देते हैं, वो देखें उसको, ना हमें जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका सदस्य बनाएं। सर, राजस्थान के कई जिलों में अपनी कार्यकारिणी नहीं है, जैसे सीकर, झुंझुनू की अपन बात करें, वहाँ अपनी कार्यकारिणी नहीं है, ऐसे में नए खिलाड़ी तैयार नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, ऐसा बात है, नहीं है। जहाँ कार्यकारिणी नहीं है वहाँ की स्टेट की जो थी, हमारे जो यूनिट है वो इसकी जिम्मेदार ले, जहाँ पर भी नहीं अगर हमें पॉइंट आउट करेंगे तो हम उसको बताएंगे और वहाँ पर बनेगी जरूर कार्यकारिणी, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सर।